भटूरे फुल फुल के निकल गए हैं, बहुत अच्छे बन रहे हैं भटूरे। आ जाओ दिखाती हूँ। गुड मॉर्निंग गाइज, आज है डे 23 एंड आई एम सो एक्साइटेड फॉर टुमारो, क्योंकि कल है क्रिसमस ईव, हम पार्टी करेंगे। एंड बाय द वे टाइम्स फ्लाइंग गाइज, मुझे पता भी नहीं चला कि एक मंथ पूरा हो गया है ऑलमोस्ट, राइट? मैंने ब्लॉग में स्टार्ट किया था, एवरी डे में वीडियो अपलोड कर दी थी, कभी कभी ब्लॉग होता था, कभी कभी मेरी अदर वीडियोज आती थी, बट एवरी डे मैंने वीडियो दी है इन अ ब्लॉगमस में। एंड आई एम सो एक्साइटेड कल के लिए एक्चुअली, क्योंकि कल है क्रिसमस ईव, हम पार्टी करेंगे। एंड कल का ब्लॉग तो जरूर देखना, पक्का देखना, ठीक है? बहुत सारी चीजें होंगी, सच में बोल रही हूँ। ये ईयर इतनी जल्दी फिनिश हो गया, कुछ भी पता नहीं चला। चलो एनीवे, नेक्स्ट ईयर आए, सभी के लिए खुशियां लेकर आए, आप सभी खुश रहें, जो भी आपकी मनोकामना है दिल से कहती हूँ वो सभी की पूरी हो जाए। एंड अब मैं अपने दिन की शुरुआत करूंगी, मुझे जल्दी से वीडियो शूट करनी है। एंड जो वीडियो मैं शूट करने वाली हूँ वो तो आपको इस ब्लॉग से पहले ही मिल गई होगी, एंड जल्दी से कर लेती हूँ। एंड फिर मुझे क्या करना है, ग्रॉसरी करने जाना है, क्योंकि कल है हमारे घर में पार्टी, एंड उसके लिए बहुत सारी ग्रॉसरी लेकर आएंगे, बहुत सारी चीज़ें लेकर आएंगे जो हम पार्टी में बनाएंगे। एंड और भी मुझे बहुत कुछ चाहिए कल की पार्टी के लिए, क्रिसमस ईव के लिए। सो जल्दी से एक वीडियो शूट कर लेती हूँ एंड उसके बाद मैं स्ट्रेट आपको स्टोर में। ओके गाइस, जस्ट मैंने अभी अभी अपनी वीडियो फिनिश की है जिसमें मैंने शेयर किया है अपना शीन हॉल, उसमें मैंने बहुत सारे कपड़े, बहुत सारी ज्वेलरी, बहुत सारी पार्टी ड्रेसेस मैंने शेयर किया है। एंड मैं आपको थोड़ा सा स्नीक पीक देती हूँ। सो लाइक दिस, दिस वाज द ड्रेस इन दैट वीडियो, सो मस्ट वॉच दैट वीडियो गाइज। अगर आपने वो वीडियो वॉच नहीं की तो ऊपर क्लिक करके वो वीडियो वॉच कर सकते हो और चेक माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स। नाउ मैं आ चुकी हूँ अपने फेवरेट स्टोर में, ये है फार्टिनोज। एंड आप देख सकते हो कितने सारे केक, कुकीज, बिकॉज ऑफ क्रिसमस, एंड क्रिसमस ईव आ रही है। क्रिसमस ईव के लिए मैं बहुत सारी आज ग्रॉसरी करूँगी, क्योंकि मैंने बहुत कुछ प्लान कर लिया है मैं क्या क्या बनाऊँगी। एंड पार्टी करेंगे हम घर में क्रिसमस की, एंड क्रिसमस ईव पर हम बहुत कुछ करते हैं। एंड जल्दी से ले लेती हूँ ग्रॉसरी, एंड आज मुझे बहुत सारे काम करने हैं। एंड बस मेरी ग्रॉसरी हो गई है डन, अब मैं जाऊँगी घर एंड जाकर मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग आपके साथ शेयर करूँगी कि क्या लेकर आई हूँ। एंड नाउ मैं जल्दी से आपके साथ ग्रॉसरी शॉपिंग हॉल शेयर करती हूँ। एंड मैंने क्लीन कर लिया है, फर्स्ट मैं लेकर आई हूँ डिओड्रेंट, जे डोव का है एंड 0% इसमें लमनम है, जे आपको यूज़ करना चाहिए, लमनम गुड नहीं होता। नेक्स्ट मैं अवीनो का शैम्पू लेकर आई हूँ, जे नो सल्फेट, नो डाई, नो पैराबेन, एंड इसमें ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छा क्लीन प्रोडक्ट है जी। जे है आलमंड ब्लेंड एंड एक लेकर आई हूँ ग्रीन ब्लेंड। नेक्स्ट मैं फ्लॉसेस लेकर आई हूँ, नेक्स्ट मैं लेकर आई हूँ लोरियल का ब्लैक आईलाइनर, इसे यूज़ करूँगी एंड आपके साथ शेयर करूँगी कि कैसा है। नेक्स्ट मैं लेकर आई हूँ कंडीशनर, जे गार्नियर का कंडीशनर है आलमंड ऑर्गन, एंड ये सब सॉस मैं यूज़ करती हूँ, दिस इज़ रियली गुड, एंड सब की रेसिपी भी मैंने शेयर की है। ये है क्रीम चीज़। एंड नेक्स्ट मैं लेकर आई हूँ बटर, अगर देखना चाहते हो कि आप घर में देसी घी कैसे बना सकते हो, क्लिक ऑन अ टॉप टू वॉच दैट वीडियो, एंड उसमें आप पिन्नी की रेसिपी भी देख सकते हो, ग्लूटेन फ्री। एंड नेक्स्ट मैं लेकर आई हूँ चीज़, इससे हम बनाएंगे पिज़्ज़ा, लज़ानिया, सो मैनी चीज़ें। ये है चिली गार्लिक सॉस, एंड ये है अल्फ्रेडो सॉस, इसकी मैं 2 बॉटल्स लेकर आई हूँ। नेक्स्ट मैं लेकर आई हूँ क्रश टोमेटोज पिज़्ज़ा सॉस। नेक्स्ट मैं लेकर आई हूँ रोलो का, जे है चॉकलेट, हॉट चॉकलेट, बच्चे पीते हैं, एंड इसके लिए गुड कॉम्बिनेशन है बिपिंग क्रीम, सो आप टॉप कर सकते हो इसके साथ। एंड नेक्स्ट मैं लेकर आई हूँ दही, घर में मैं दही नहीं बनाती, मुझसे बनता नहीं, आई डोंट नो वो वाई। एंड लेकर आई हूँ टिडबिट्स, ये है पाइन एप्पल के। एंड नेक्स्ट मैं लेकर आई हूँ चीज़्ड, एंड गर्मी में पिज़्ज़ा बनाती हूँ, अगर देखना चाहते हो वो वीडियो, क्लिक ऑन अ टॉप टू वॉच दैट वीडियो। एंड ये है 3 चीज़ रैंच। एंड नेक्स्ट
मैं लेकर आई हूँ लज़ानिया, जे पहली बार लेकर आई हूँ जी, स्पिनच के साथ बना हुआ है, हेल्दी है, सो इसे ट्राई करूँगी। एंड इसकी रेसिपी अपन आवर चैनल गाइस। एंड पास्ता, पास्ता भी मैंने बहुत तरह से शेयर किया है, 15-20 टाइम्स डिफरेंट डिफरेंट रेसिपी है। एंड जी मैं लेकर आई हूँ वेजी वाइट्स विद चीज़, इसे ट्राई करूँगी, लेट्स सी क्या बनता है, बहुत कुछ बनने वाला है। ओके, स्टे ट्यून्ड रहना। एंड जी है स्प्रिंग रोल्स, वेजी स्प्रिंग रोल। एंड क्रिसमस ईव के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ये है 3 चीज़ पॉकेट, चीज़ पॉकेट। नेक्स्ट मैं लेकर आई हूँ जे है कॉर्न, एंड इसको मैं मिक्स करके कुछ ना कुछ रेसिपी रेडी करूँगी। सो देखते रहना। ओके ठीक है, क्या क्या करती हूँ। सो ये है अनियन रिंग्स, एंड इसको हम फ्राई करेंगे आज नहीं। ओके नेक्स्ट बच्चे लेकर आए हैं चीटोस, क्योंकि पार्टी है तो थोड़ा बहुत तो होना चाहिए, राइट। लेज लेके आए हैं हम क्रीम एंड अनियन। एंड जी मैं बहुत खाती थी जब मैं कॉलेज टाइम में होती थी चंडीगढ़ में, वाह मज़ा आ जाता था। ओके सो जी है ओरिजिनल क्रोसेंट, इसे बनाएंगे। एंड लेकर आई हूँ पाइन एप्पल एंड स्ट्रॉबेरीज, एंड इसके साथ मैं लेकर आई हूँ ब्लूबेरीज। मैं कुछ सोच रही हूँ इसे कुछ बनाऊँ, लस्सी क्या बनता है। एंड मैंने पार्टी के लिए बहुत कुछ ले आई हूँ मैं गाइस, आई डोंट नो मैंने क्या क्या करना है। वेजी हक्का नूडल्स लेकर आई हूँ, एंड जो चिंग्स के हैं, एंड 2 पैकेट्स लेकर आई हूँ। नेक्स्ट मैं लैक्टोज फ्री 0% स्किम मिल्क लेकर आई हूँ, इसे मैं कभी कभी यूज़ करती हूँ। एंड नेक्स्ट जे मेरा फेवरेट सिनेमन रोल, इसके 2 बॉक्स लेकर आई हूँ, एंड बच्चे लाइक करते हैं। एंड टिम हॉर्टन ने डिसकंटिन्यू कर दिया, आई डोंट नो व्हाई। सो नेक्स्ट मैं लेकर आई हूँ जे एवरीथिंग बेगल एंड नान, गार्लिक नान। अगर देखना चाहते हो कि घर में कैसे नान बनते हो तो एक्सप्लोर कर लो गाइस मेरा चैनल, मेरे चैनल पे बहुत कुछ पड़ा है, आपको बहुत कुछ मिलेगा। एंड जे लेकर आई हूँ प्लेन ब्रेड, इसके साथ कुछ करेंगे। एंड गार्लिक ब्रेड लेकर आई हूँ, एंड मैं लेकर आई हूँ जे आलमंड ब्रीज, आलमंड मिल्क मेरे बच्चे पीते हैं, कुछ ऑरेंज जूस एंड सम लेमनेड्स, एंड जो बच्चे लाइक करते हैं वो। एंड नेक्स्ट मैं लेकर आई हूँ कैरेट्स, एंड इसके साथ में कुछ सोच रही हूँ क्या करूँ, पता नहीं क्या करना है, बहुत कुछ करना है मुझे, मैं बताऊँगी आपके आपको। ओके एंड नेक्स्ट मैं लेकर आई हूँ ग्रीन पेपर्स, ब्रोकली, एंड ब्रोकली तो जाएगी मेरी पार्टी की रेसिपी में, एंड ये ग्रीन पेपर्स एंड ये पिज़्ज़े पे जाएगी। पहले नहीं बताऊँगी मैं क्या क्या करना है आपको। एंड ये है रेड पेपर्स, एंड इसमें भी 2 है। एंड उसके साथ मैं लेकर आई हूँ जे एस्पेरागस, एंड जे भी जाएगा पार्टी में आई थिंक। एंड नेक्स्ट मैं लेकर आई हूँ जे धनिया, कोरिएंडर लीव्स, एंड उसके साथ लेकर आई हूँ मेथी लीव्स, ये फ्रेश फ्रेश आए हुए थे तो मैंने उठा लिया कितना कुछ। एंड जे है भिंडी एंड चिल्ली, ग्रीन चिल्ली, एंड आज मैं धनिया नहीं भूली लेकर आई हूँ। एंड ये है फ्रेश हल्दी एंड क्यूकम्बर्स, क्योंकि धनिया हमेशा मैं भूल जाती हूँ। एंड नेक्स्ट मैं लेकर आई हूँ बनानास, एंड ये सारा फ्रूट है, एंड पीच, आई थिंक नेक्ट्रिन्स भी थे, आई डोंट नो। ओके एप्पल्स, एंड जे ऑर्गेनिक नहीं है, जे है बड़े वाले रेड एप्पल्स एंड पेयर्स, एंड पेयर्स भी बहुत अच्छे आए हुए थे 14 में। नेक्स्ट और लेकर आई हूँ बनानास, एंड जे मैं रेड पोटैटोज़ यूज़ करती हूँ, पोटैटोज़ लेकर आई हूँ, एंड मुझे इनका ही टेस्ट अच्छा लगता है। एंड ग्रेप फ्रूट, इसको मैं जूस में यूज़ करूँगी, घर में ही जूस बनाती हूँ। एंड मेरा चैनल एक्सप्लोर कर लेगा इस, आपको बहुत कुछ मिलेगा मेरे चैनल पे। एंड ये सारी चीज़ें मैंने क्लीन कर ली है, ये सारी ग्रॉसरी है, इसको हम पार्टी में यूज़ करेंगे। एंड अब मैं क्या करूँगी, जल्दी जल्दी से ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ, ग्रॉसरी रख लेती हूँ, क्योंकि बहुत सारा काम करना है मुझे। आज भटूरे भी बनाने हैं, मैंने फैमिली को अभी तक बताया नहीं कि मैं क्या बनाने वाली हूँ। एंड जल्दी से इसको रख लेती हूँ, एंड बाद में हम बनाते हैं भटूरे।
Hey guys, मैं आ गई अपनी किचन में जादू करने. ओके जादू में आज मैं बनाऊंगी चना पटूरा. फैमिली को अभी तक नहीं पता मैं क्या बना रही हूँ. मैं बना रही हूँ चना पटूरा गाइज. एंड मैंने क्या किया है, आओ आओ मैं बताती हूँ क्या. मैंने ये रेडी करके रख लिया है भटूरे का आटा. एंड डोंट वरी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ. ओके सो यहाँ मैंने आलू कट कर लिए हैं. ये है चने. एंड मेरे पास एक ही डिब्बा था तो मैं ये मेलेडी जो बीन्स होती हैं ये यूज़ करूँगी. सो ज़्यादा क्वांटिटी में बन जाए राइट. सो ये टिप है आपके लिए. ओके नहीं तो आलू ज़्यादा ऐड कर सकते हो अगर एक ही डब्बा है तो. ठीक है. एंड मैंने ये कर लिया है क्रश अनियन. एंड अब मैं बनाऊँगी चना. शेयर नहीं किया कि मैंने जो डो रेडी कैसे किया, जो जिसे हम भटूरे बनाते हैं. ठीक है. भटूरे का जो आटा है डो रेडी करना बहुत इजी है. उसकी मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई है. क्लिक ऑन टॉप टू वॉच दैट वीडियो. घर में आप भटूरे कैसे बना सकते हो. सो उसमें इतना ऑयल भी नहीं ज़्यादा. इंस्टेंट भटूरा आप घर में बना सकते हो. ओके जहाँ मैं नीचे स्क्रीन पर भी लिख दूंगी जो जो मैंने ऐड किया है उन चीज़ों को ऐड करके बस आप डो रेडी कर लें. अब मैं जल्दी से बनाती हूँ चने एंड फिर बनाते हैं भटूरे. एंड आपके साथ शेयर करती हूँ कैसे बनते हैं आज. बहुत कर लेती हूँ ऑन. जब जे ऑन होती हैं तो मेरा बहुत मन लगता है कुकिंग को करने में. सो कैंडल्स हो गई हैं ऑन. अब आएगा मजा कुकिंग में. मम्मा की हेल्प करोगे आप किचन में? ना. चना भटूरा बनाने के लिए ये आप प्लीज. श्योर श्योर. सो अब मैं बनाऊंगी चने. मेरी डॉटर लगाएगी तड़का. इसको पता है क्या क्या करना है. ऑयल ऐड करना है. हमें चाहिए स्पाइसेस. इसमें मैं ऐड करती हूँ जो तेज पत्ता होता है ना. सो इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है. एंड फिर मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ी सी जो ड्राई मेथी होती है ऐसे सीड्स. इसको ऐड करूँगी. थोड़ी सी अजवाइन ऐड करती हूँ. थोड़े से ये जो मस्टर्ड सीड होते हैं इसे ऐड करूँगी. साथ ये मैं कलौंजी जो अनियन सीड्स होते हैं इसे ऐड करूँगी. एंड जीरा. जीरा तो मैं खूब ऐड करूँगी. इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है. इसमें इलायची ऐड करूँगी. जो मोटी वाली इलायची होती है ना ये वाली ब्लैक वाली. ड्राइड स्पाइसेस को मैं थोड़ा पका लेती हूँ. एंड फिर मैंने इसमें अनियंस ऐड कर दिए हैं. एंड इसे मैं अच्छे से पकाऊंगी, हलाती रहूँगी एंड ब्राउन होने तक पकाऊंगी. एंड साथ में मैंने रखा है वाटर. इसमें मैंने सिनेमन स्टिक ऐड की है. अगर आपके पास चाय पत्ती है वो भी ऐड करना, मेरे पास नहीं थी. उसके साथ इसका कलर बहुत अच्छा आता है. नेक्स्ट मैं इसमें गार्लिक ऐड कर दूंगी एंड फिर अच्छे से इसे पकाऊंगी. जब ये पक जाएगा फिर मैं इसमें टोमेटोज ऐड करूंगी. Then other all spices like salt, chili. बस फिर इसको ऐसे पकाना है. इसमें मैंने ड्राई मेथी लीव्स ऐड किए हैं. उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है. नाउ मैं इसमें चने ऐड कर दूंगी एंड चना मसाला यूज़ करूंगी. एंड अगर आपके पास चना मसाला नहीं है तो आप चाट मसाला भी यूज़ कर सकते हो. अब जो चने हैं उसे मैं तड़के में अच्छे से मिक्स करूंगी एंड इसे स्लो पे थोड़ा सा पकाऊंगी. जो मसाला है वो चने एंड आलू के अंदर अच्छे से चला जाए. एंड पहले मैं वाटर ऐड नहीं करती, इसे ऐसे पका लेती हूँ. एंड अगर आप लाइक सूखे चने रखना चाहते हो तो ये परफेक्ट ऐसे रेसिपी है, ऐसे आप बना के खा सकते हो. बट नाउ मैं इसमें वाटर ऐड करूंगी. अच्छे से मसाला इसके अंदर चला गया है एंड एटलीस्ट 5 मिनट्स मैं ऐसे करती हूँ. फिर मैंने वाटर को छान लिया है. उसमें थी सिनेमन स्टिक एंड आप इसमें चाय पत्ती ऐड कर सकते हो. एंड उससे क्या होता है कि जो चने का कलर है वो अच्छा. सो चने बन रहे हैं गाइस. मैंने अभी अभी इसमें वाटर ऐड किया. अब आहिस्ता आहिस्ता पकाऊंगी जब तक थिक ना हो जाए. सो जो डो है वो भी रेडी हो गया है. रेस्ट हो गया है उससे ऑलमोस्ट 30 मिनट्स. एंड बस भटूरे बनाऊंगी जब तक चने बनते हैं. देखते हैं फैमिली क्या करती है. लुक गाइस, अभी भी हमारी जो थी 1000 पीसेस की पजल वो बन रही है. वाओ, हाफ बनी है अभी. अभी भी हम पजल पे वर्क कर रहे हैं गाइस. कल के ब्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मैनू सेंटे दी मुछ नहीं लभदी, एक दाढ़ी नहीं सी लभदी एंड हाफ टोपी नहीं सी लभदी. सो अज सो फार सेंटा पूरा बन गया है.
या थोड़ा सा रेस्ट करूंगी, देखती हूँ फैमिली की हेल्प करती हूँ थोड़ी सी, एंड फिर बाद में हम बनाते हैं चना भटूरा। चना तो एक्चुअली बन रहा है, भटूरे जो है उसे मुझे तलना है, फिर खाएंगे। भूख बहुत लग चुकी है से आप पजल दे बनाने ली, क्योंकि डैडा ने बहुत सारी पजल्स बनाई हैं। यू डिड ऑल सेंटा, सेंटा कंप्लीट हो गया। जब तक चने बन रहे हैं मैं दही बनाऊंगी एंड इसमें बूंदी ऐड करूंगी, बूंदी का दही रायता, एंड इसमें मैं स्पाइसेस ऐड करूंगी, चिल्ली मसाला एंड सॉल्ट। इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, एंड इसमें धनिया ऐड करना मैं भूल गई। एंड नेक्स्ट इसमें मैं ऐड करूँगी फ्राइड अनियन एंड फ्रेश अनियन, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। एंड धनिया जरूर ऐड करना, जो मैं हमेशा भूल जाती हूँ, सब्जी में भी ऐड करना एंड ऐसी चीज़ों में भी ऐड करना, आई डोंट नो। ओके, चने देखो कितने अच्छे बन चुके हैं। ऐसे आप थिक चने बना सकते हो, ड्राई चने भी बना सकते हो, थिक ऐसे ग्रेवी बना सकते हो। सो ये सारा कुछ रेडी हो गया है, एंड साथ में मैंने ये अनियन भी बना लिए, ये मैंने आपके साथ शेयर किया था, रायता भी रेडी हो चुका है। नाउ हम बनाएंगे भटूरे। गाइस भटूरे फुल फुल के निकल रहे हैं, बहुत अच्छे बन रहे हैं भटूरे, आज और दिखाती हूँ। हम इंजॉय करेंगे अपना डिनर, गर्मा गर्म भटूरे खाएंगे, एंड मेरी किचन नीट एंड क्लीन हो चुकी है, नाइट रूटीन मैंने कर लिया है। अब मैं मिलूंगी टुमारो मॉर्निंग, टुमारो करेंगे हम पार्टी, ये सारे प्रेजेंट खोल लेंगे, कितना मजा आएगा, एंड क्रिसमस ईव इंजॉय करेंगे, एंड बहुत सारी चीजें करेंगे। सो स्टे ट्यून रहना, कल का ब्लॉग जरूर देखना, एंड अंटिल देन टेक केयर गाइज एंड बाय।